दोस्तों, आपने टीवी इंडस्ट्री में कई सारे सीरियल्स देखे होंगे जिसमें सभी अभिनेत्रियां हर एक त्योहार को काफी अच्छे से मनाती हैं और खूब इंजॉय भी करती हैं। और उनमें से एक अभिनेत्री हैं कृतिका सेंगर, जो अपने सीरियल में सभी त्योहारों को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। और उनमें से एक त्योहार होता है करवा चौथ का, जिसे अपने शो में अपने को स्टार यानी कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कृतिका सेंगर जिस तरह से अपने सीरियल में करवा चौथ के व्रत को शिद्दत से करती हैं, ठीक उसी तरह ये अपनी रियल लाइफ में भी करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। और इस बार भी ये अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, जिसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार ये साल करवा चौथ के व्रत को यादगार बनाएगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। टीवी इंडस्ट्री के मासूम अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने 3 सितंबर 2014 को एक्टर निकितन धीर से शादी की थी और शादी के एक महीने बाद ही इन्होंने करवा चौथ का निर्जला व्रत अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखा। वह इन्होंने अपने पहले करवा चौथ के व्रत को काफी धूमधाम से मनाया था। करवा चौथ के लिए इन्होंने पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा बनवाया था, जिसे पहनकर ये उसमें एक दुल्हन से ज्यादा सुंदर लग रही थी। साथ ही मेकअप करने के बाद तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और इनके पति ने भी इनके लिए व्रत रखा था। और दोनों ने शाम को एक साथ मिलकर पूजा करने के बाद एक दूसरे को पानी पिलाया और खाना खिलाया। फिर शाम को इनके पति ने गिफ्ट के तौर पर इन्हें घूमने के ट्रिप प्लान के बारे में बताया, तो ये काफी ज्यादा खुश हुई और वो भी ट्रिप प्लान गोवा का था। और जब इनके पति ने शाम को इन्हें ट्रिप प्लान के बारे में बताया तो कृतिका सेंगर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं अब इनके शादी के 7 साल होने के बाद भी ये करवा चौथ के व्रत को हर साल रखती हैं, ठीक उसी तरह इस साल भी करवा चौथ के व्रत की तैयारियों में जुटी हैं। इस साल तो इन्होंने अपने लिए करवा चौथ पर पहनने के लिए रेड कलर के सिल्क की साड़ी और डिजाइनर ब्लाउज तैयार करवाया है। साथ ही उसके मैच का इन्होंने ज्वेलरी और हेयर्स भी ले लिया। वहीं आपको बता दे, इस साल भी इनके हस्बैंड इन्हें गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दे, इस बार तो कृतिका सेंगर अपने पूरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगवाएंगी और अपने पति का नाम भी लिखवाएंगी। वहीं कृतिका तो इस साल अपने पति को गिफ्ट के तौर पर डायमंड की रिंग देने वाली है। तो कुछ इस तरह से ये इस साल भी करवा चौथ के व्रत को और भी ज्यादा यादगार बनाने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको कृतिका सेंगर के करवा चौथ के व्रत के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।